हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरेट सक्सेस शॉट। कैरेट सक्सेस शॉट में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मेरा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट की प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ यहाँ पर, और यूपी टेट के अलावा और भी जो आपके अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक ज़रूर से देखना चाहिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में बहुत सारे फॉर्मूले भी होते हैं जिन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अभी मैं जो आपको करा रही हूँ वो सिर्फ स्क्वायर पे बेस्ड फॉर्मूले हैं, तो फिर आप उसको एक बार देख लीजिए। पहला फॉर्मूला जो आपको है यहाँ पे वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सिंपल सा तरीका है, इसे आप अगर पढ़ रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर स्क्वायर का फॉर्म आप लेके चलते हैं तो स्क्वायर में आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में लिखनी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। एंड द सेकेंड वन इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये दोनों फॉर्मूले, इन दोनों के अलावा और भी फॉर्मूले हैं, क्यूब के फॉर्म में हैं और अदर भी फॉर्मूले जो कि इसी के बेस्ड बनाए गए हैं, उन पे क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ करवाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले जो है ये जो स्क्वायर का फॉर्मेट है इसे हम देख लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू फाइव देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए, मैंने आपको ये जो फॉर्मूला लिखवाया है ये इसीलिए लिखवाया है कि आप इसका यूज़ यहाँ पे करें। आपको यहाँ पे एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो एक्स का स्क्वायर हमें कब मिल सकता है, जब हम इस वैल्यू को पूरा अगर होल स्क्वायर कर दें तो हो सकता है कि हमें एक्स का स्क्वायर मिल जाए। चलिए चेक करते हैं। पहले हम यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालेंगे इज इक्वल टू 25। इस स्टेप में मैंने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइड्स का स्क्वायर किया है और मुझे यहाँ पे मिल गया रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो चुका है। हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर रिटन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पर ए है आपका अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर प्लस बी है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए, ए मीन्स रूट एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई बी 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 25। ये वैल्यू क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है तो रूट एक्स और रूट एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ समझने वाली है कि जब भी हम किसी अंडर रूट वाली वैल्यू का कोई भी ऐसा नंबर जो कि रूट में हो और उसका हम जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू रूट से बाहर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको यहाँ पे अंडर रूट 2 लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर करने को कहा जाए तो यहाँ से स्क्वायर होकर के रूट हट जाएगा और ये 2 हो जाएगा। मीन्स कि जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर नहीं होता है, बस स्क्वायर में क्या करना होता है, रूट हट जाता है और रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वो बाहर निकल के आ जाती है। ठीक इसी तरह से जब हम रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ आएगा एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एंड 2 यहाँ पे बच रहा है 2 इज इक्वल टू 25 एंड दिस वन बिकम 1 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 23। हमने क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि हमने इस पूरी वैल्यू का एक बार स्क्वायर करा है तो हमें x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम इस इक्वेशन का दोबारा से पूरा स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 होल स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स वी यूज दिस फॉर्मूला
हेयर एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 23 इज 529 एंड दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस एक्स एंड एक्स इज कैंसिल आउट 2 इज इक्वल टू 529 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 529 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 527 एंड दिस वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सारी वैल्यूज आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे यहाँ से प्लस 2 को जब इधर लेके गए हैं तो ये माइनस हो गया है। 529 माइनस 2 इज इक्वल टू 527 एंड दिस वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए इस पे एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x². अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है x माइनस 1/x की वैल्यू आपको 7 दे रखी है और आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन मेरे पास वही चीज़ बच रहा है कि हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, ये हो गया आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7² a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम टैली करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो हेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इज एक्स हेयर एंड बी इज 1/x इज इक्वल टू 7² 49। नाउ एक्स एंड एक्स इज कैंसिल फ्रॉम हेयर एंड दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 49। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 49 प्लस 2 इज इक्वल टू 51। अब देखिए आपकी यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू अंडर रूट में नहीं थी इसीलिए आपको सीधे एक ही बार में एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। अगर ये वैल्यू अंडर रूट में होती तो एक बार आप स्क्वायर करते तो पहले रूट हटता तो फिर आपको एक वैल्यू मिलती और जब आप दोबारा स्क्वायर करते तो फिर वहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलता। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 51। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 सो फाइंड x4 प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू ? यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 सो फाइंड हियर x⁴ प्लस 1/x⁴। अब अगेन हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे हमें यहाँ पे 4 में पावर मिल जाए। तो 4 में पावर कब मिल सकता है, जब एक बार हम इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा और आप जब उसका दोबारा स्क्वायर करोगे तो आपको x⁴ मिल जाएगा। मीन्स कि ये कन्फर्म हो गया है कि यहाँ पर आपको स्क्वायर ही करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स व्हाट वी गेट x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3² a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9। x एंड x इज कैंसिल, x स्क्वायर
प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 एंड दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब आप देखो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होती तो आपका आंसर होता यहाँ से 7। लेकिन आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कि अगर आप एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 चाहते हैं लाना तो आपको इसका अगेन स्क्वायर करना होगा। ये कैसे मालूम चल रहा है कि अगर हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए तो ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी एक्स पावर 4। और ये तभी हो सकता है कि अगेन हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें। सो फ्रॉम हेयर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स what we get a square of this one x square plus 1 by x square is equal to 7 square and this becomes x square ka whole square plus 1 by x square ka whole square formula jo lag raha hai wo again a plus b ke whole square ka formula main yahan laga rahi hu a square plus b square plus 2 multiply by a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज अगेन 49। नाउ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज कैंसल आउट हियर एंड इट बिकम एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 49। एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2। ये वाला प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा एंड दिस बिकम एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 47। सो दिस वन इज द आंसर 47। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 देन फाइंड एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ वो आपको सिर्फ स्क्वायर की आइडेंटिटी पे ही कराई रही हूँ उस समय। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको अगेन जो है एक्स पावर 4 चाहिए, दैट मीन्स कि हमें पूरे इक्वेशन को दो बार स्क्वायर करना होगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। दिस बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए इंटू बी इज इक्वल टू 25। एक्स एंड एक्स इज कैंसल आउट फ्रॉम हेयर एंड दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 25। फ्रॉम हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल चुकी है 27। आपको फिर से क्या चाहिए, x के पावर 4 चाहिए, दैट मीन्स स्क्वायरिंग अगेन बोथ साइड्स। वापस से हमें x के पावर 4 लाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 स्क्वायर। यहाँ पे फिर से प्लस आ चुका है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 27 इज 729। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज कैंसिल आउट फ्रॉम हेयर एंड दिस बिकम एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 729। एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 729 माइनस 2 एंड दिस बिकम एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 727 एंड दिस वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 727 इज द आंसर। तो अभी आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी में मैंने आपको सिर्फ दो ही जो फॉर्मूले होते हैं वो लिखवाए हैं जो कि स्क्वायर बेस पे थे और उस पर मैंने आपको प्लस और माइनस के सेंस पे कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं।
सो कीप प्रैक्टिसिंग, और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये ज़रूर ही पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। और नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊँगी यहाँ पर, वो आपको क्यूब पे कुछ क्वेश्चंस कराऊँगी, और क्यूब की जो भी आइडेंटिटीज़ होती हैं वो मैं आपको बताऊँगी। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।